ये सोच का ही फर्क है जो मोदी सरकार में आज पीएम जनमन जैसी योजनाओं को लेकर भी आए। तभी तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 साल तक मुफ्त में अनाज देने का काम और लगभग 81 करोड़ लोगों को लाभ वहां तक देने का काम। COVID-19 संक्रमण प्रतिरोध निराकरण एवं यह महामारी द्वारा पीड़ित रोगी चिकित्सा लगी डाक्टरखाना सुविधा स्वास्थ्य परीक्षा तथा अन्य आवश्यकता पूरण लगी जिला खनिज पांठि अर्थ खर्च करने लगी राज्य सरकार को निर्देश यहाँ सह निर्माण श्रमिकों को सेमानक पाई थिबा रिलीफ फंड को व्यवहार करी आर्थिक सहायता प्रदान पाई प्रति राज्य सरकार को निर्देश मध्य दिया जायथिला। पीएम गरीब कल्याण पैकेज रो ए सब योजना मध्यरु परवर्ती समय रे अनेक योजना रो समय अवधि वृद्धि करा जाय योजना को अधिक लोकाभिमुखी करा जायछि। तबे गरीब कल्याण पैकेज मध्यरु आज जाय देशर कोटि कोटि नागरिकों पई वरदान सब्यस्त होईछि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। देशव्यापी कोविड कटकणा लागिबार दिनक परे लागू होइतिबा ए योजना को समयर आवश्यकता एवं उपयोगिता दृष्टिरु विभिन्न समय रे वृद्धि करा जायछि। यहाँ द्वारा देशरु अनाहार और दारिद्र्य हटिछि। 2024 पहिलारु पुणि 5 वर्ष पई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को वृद्धि करिछंती केन्द्रर मोदी सरकार। 28,16,000 जनजातीय भाई और बहनों के लिए इन योजनाओं को उनके घर द्वार तक पहुंचाकर उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए वो भी बदलाव किया जाएगा। तो सभी संबंधित मंत्रालयों द्वारा प्रतिवर्ष अपनी स्कीमों के बजट का एक अंश ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट प्लान एक्शन फॉर एसटी ग्रांट के रूप में ईअमार्क किया जाता है। जदि आपणको आम भिडियोटि भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।